सर, मेरा नाम उम्मती गंगवार है। मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष हूं। और आज का हमारा ये जो प्रदर्शन है वो सरकार के खिलाफ इसलिए है कि हम लोगों को हमारी जो प्रदेश सरकार ने कई बार झूठे प्रलोभन दिया, लेकिन उसको वादा किया, लेकिन उस वादे को कभी पूरा नहीं किया। अभी 21 फरवरी 2019 को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें आंगनवाड़ियों को एक वादा किया था कि मैं आपके केंद्र सरकार के बराबर की एक बढ़ोतरी कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने 1500 रुपये मानदेय बढ़ाया था। उस 1500 रुपये को बड़ी चालाकी के साथ इंसेंटिव में बदल दिया। उसके बाद ना तो मानदेय दिया, ना इंसेंटिव दिया, किसी आंगनबाड़ी को अभी तक कोई पैसा उन्होंने नहीं दिया। अब एक ये वो ढोंग पीट रहे हैं बहुत दिनों से कि हम आंगनबाड़ी केंद्रों को जो है प्री नर्सरी से जोड़ रहे हैं, प्राइमरी टीचर का दर्जा देने जा रहे हैं। वो प्राइमरी टीचर का दर्जा तो देने जा रहे हैं, लेकिन उस आंगनबाड़ी के पेट का उनको कोई ख्याल नहीं है। उसको 5500 रुपये में उसका कैसे गुजारा होगा, क्या करेगी वो, कैसे अपना घर चलाएगी, कैसे बच्चे पढ़ाएगी, कैसे पालेगी, उसका उनको कोई ध्यान नहीं है। आज का दिन इसलिए चुना कि हमारे विभाग में जो है सारी महिलाएं हैं, केवल महिलाएं काम करती हैं, और हमारे लाभार्थी जो भी हैं महिला और 6 साल तक के बच्चे हैं। तो इसलिए हमने ये महिला दिवस पर सरकार को संकेत देना चाह रहे हैं कि हमारा भाई कुछ करो, हम बहुत परेशान हैं। आज हमारा खास दिन है, उस दिवस पे हम अपनी समस्या रख रहे हैं उनके आगे। पटेल है, मेरा नाम विनीता पटेल है, मैं शेरगढ़ ब्लॉक की अध्यक्ष हूँ। और जो बहनें आज वो एकत्रित हुई हैं महिला दिवस पे, जो पीड़ित हैं, एक तो मानदेय कम, 75 से महिलाएं काम कर रही हैं और उनके लिए सम्मानित वेतन भी नहीं, मानदेय भी नहीं दिया रहा, वेतन तो दूर की बात है। तो मैं सरकार से चाहूँगी कि वो हमारी बहनों की जो दुख दरिद्रता से जो गुजर रही हैं उन चीज़ों को दूर करें और अपना वादा निभाए, अन्यथा हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और अभी तो हमारी जो संख्या है महिला दिवस पे, कुछ बहनें हमारी अपने सेंटरों पे भी महिला दिवस का काम कर रही हैं, आगे हम सारी एकत्रित होकर इस बरेली में धरना प्रदर्शन फिर करेंगे। मेरा ये महिला दिवस पे, मेरा नाम हेमंत कुमारी है, ब्लॉक शेरगढ़ से हूँ आंगनबाड़ी। ये जो योगी सरकार ने एक नई चाल और भी चली है, जो समूह के द्वारा हम लोगों को घी दूध का भी वितरण किया। पहले हम लोगों के पास आता था तो कोई समस्या नहीं होती थी, और लाभार्थी भी इतने हैं और लाभार्थी के अनुसार हमें ना ही पोषक तत्व मिलते हैं पूरे। और ये समूह वाले लड़ाई झगड़ा यही करा रही है सरकार, हमारे गाँव में रह के गाँव वालों से ही लड़ाई कराना शुरू कर रही है। ये घी दूध या तो हमारे अंडर में आए, या अगर हमारे अंडर में नहीं आता है तो पूरा सीधा लाभार्थी के खाते में आए, या फिर आंगनबाड़ी के खाते में आए, नहीं तो समूह खुद अपना काम काज में। उससे ये दिक्कत है, हमारे बच्चे 105 हैं और मात्र 54 बच्चों का आ रहा है, तो 54 बच्चे जो बकाया बच्चे हैं वो लड़ाई झगड़ा करने आ रहे हैं, गांव में लाठी डंडा चार्ज हो रहा है, तो ये कैसे समस्या दूर होगी? या तो हमें पूरा माल दें या फिर ये चीज़ घी 450 ग्राम आ रहा है और दूध 400 ग्राम आ रहा है 3 से 6 वाले के लिए, गर्भवती धात्री वो भी 3 माह गर्भवती धात्री को आ रहा है 750 ग्राम।